मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के नेताओं ने चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। कुछ सीटों पर टिकट वितरण इस बार उम्मीद से पहले हो जाएगा। बीजेपी ने तो पहली लिस्ट जारी भी कर दी है, वहीं दावेदारों ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। बुंदेलखंड के मुख्यालय सागर की 8 विधानसभा सीट की बात करें तो यहां दावेदारों की भागदौड़ जारी है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे कौन बनेगा विधायक 2023 की हमारी खास सीरीज के तीसरे एपिसोड में देवरी विधानसभा की। देवरी विधानसभा से बीजेपी और कांग्रेस के दावेदार कौन है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के दावेदारों की। देवरी विधानसभा में इस बार कांग्रेस के सबसे प्रबल दावेदार है हर्ष यादव। पिछले 2 से लगातार देवरी विधानसभा से विधायक चुनते आ रहे हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में जब 15 महीनों के लिए कमलनाथ सरकार बनी तो वो कैबिनेट मंत्री रहे। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के बेहद नजदीकी हैं। हर्ष यादव उन चुनिंदा नेताओं में हैं जिन पर घमंड कभी हावी नहीं हुआ। सत्ता में हो या विपक्ष में, वो सदाबहार एक जैसे ही हैं। उनकी सादगी और ईमानदारी के लिए उनके विरोधी भी दबी जुबान में उनकी तारीफ कर ही देते हैं। हर्ष यादव देवरी सीट पर अच्छी पकड़ रखते हैं। उनके अलावा कांग्रेस के हरीश लोधी, आमोद और संजय ब्रजपुरिया भी कांग्रेस के टिकट के दावेदार हैं। कांग्रेस के बाद अब बात करते हैं बीजेपी के दावेदारों की। बीजेपी में टिकट के दावेदारों की वैसे तो एक लंबी लिस्ट है, लेकिन प्रमुख रूप से कांग्रेस और हर्ष यादव के खिलाफ सबसे तेजी से जो नाम निकल कर सामने आ रहा है वो नाम है कांग्रेस से ही बीजेपी में गए दबंग नेता के रूप में जाने जाने वाले ब्रज बिहारी पटेरिया का। तेज तर्रार और निर्भीक नेताओं में ब्रज बिहारी पटेरिया की गिनती है। कांग्रेस से इस सीट पर विधायक भी चुने गए, लेकिन कई बार दावेदारी करने के बाद कांग्रेस ने देवरी से मौका नहीं दिया। एक बार रैली से मंत्री गोपाल भार्गव के खिलाफ चुनावी मैदान में जरूर उतारा, लेकिन वहां से ना तो इनकी कोई तैयारी थी और ना ही इतना वक्त। नतीजा ये हुआ कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन देवरी में पकड़ अच्छी बताई जा रही है। बीजेपी में भी स्थानीय नेताओं ने उन्हें स्वीकार कर लिया है और हर्ष यादव से व्यक्तिगत, राजनीतिक सभी प्रकार की दुश्मनियां जग जाहिर ही हैं। ऐसे में बीजेपी के सबसे प्रबल दावेदार ब्रज बिहारी पटेरिया ही माने जा रहे हैं। बीजेपी में दूसरे दावेदार हैं पूर्व विधायक भानु राणा। भानु राणा देवरी से विधायक रह चुके हैं, सुलझे हुए और जनप्रिय नेता हैं, शांत शालीन शैली के लिए जाने जाते हैं। एक और नाम बीजेपी के जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया का भी बड़ा तेजी से चल रहा है। देवरी में उनकी तैयारी काफी पहले से थी, लेकिन बीच में ऐसी खबरें आईं बीजेपी जिला अध्यक्ष को चुनाव नहीं लड़वाएगी। उधर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, देवरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच उनका नाम फिर से पसंद किया जा रहा है। गौरव सिरोठिया पूर्व विधायक सुशीला राकेश सिरोठिया के पुत्र हैं। वहीं सागर में एक ऐसे युवा नेता हैं जिनको कम उम्र में बीजेपी ने जिले की कमान सौंपी। उपचुनाव हो, निकाय चुनाव हो या पंचायत चुनाव, सभी चुनावों में संगठनों में उनकी काबिलियत का लोहा सभी ने माना है। उनके अलावा इंजीनियर हेमंत साहू भी बीजेपी के टिकट के दावेदार हैं, जो पूर्व मंत्री रहे स्वर्गीय परशुराम साहू के पुत्र हैं। परशुराम साहू देवरी से सबसे ज्यादा चुनाव जीतने वाले नेता हैं। अब उनकी विरासत उनके पुत्र हेमंत साहू ने अपने हाथों में ले ली है। वहीं प्रीतम सिंह राजपूत भी दावेदारों की रेस में हैं। उनके पिता स्वर्गीय तेजी सिंह राजपूत पिछले चुनाव में देवरी विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी थे। इसके अलावा पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मयंक चौरसिया भी प्रबल दावेदारों में हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में योग विज्ञान के अध्यापक रह चुके हैं। मयंक चौरसिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में 10 से प्रचारक रहे। देवरी विधानसभा में लगभग 180 गांवों में बजरंग अखाड़ा समितियों का संचालन करते हैं। वर्तमान में भाजपा के जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं। इनके अलावा संदीप जैन, जिन्हें बबलू सिनेमा वालों के नाम से जाना जाता है, लक्ष्मण सिंह लोधी सिलालपुर जो कि पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष रह चुके हैं, अर्जुन दीवान जो कि उमा भारती के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, अनिल डिमोले जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हैं, अतुल देवलिया पूर्व जनपद अध्यक्ष केसली रहे हैं, देवेंद्र सिंह केसली जिला पंचायत उपाध्यक्ष सागर हैं। ये सभी बीजेपी के टिकट के दावेदार हैं। ये थे कांग्रेस और भाजपा के देवरी विधानसभा से दावेदार। आपको क्या लगता है किसे टिकट मिलना चाहिए, कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर लिखें। अगर आपको लगता है कि हमसे इस वीडियो में किसी दावेदार का नाम छूट गया है, उसका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।